वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश के बुक का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। देखिए स्टोरी जो है ना एक बेयर के बारे में है। एक बियर जो है वो किस तरीके से एक भालू एक इंसान के साथ अटैच हो जाता है, एक जो ऑथर है उनकी वाइफ के साथ वो बियर किस तरीके से अटैच हो जाता है, और उस भालू से उस बेयर से उनकी वाइफ भी किस तरीके से मतलब अटैच हो जाती हैं, उसको इतना ज़्यादा प्यार करने लगती हैं, इसकी ये पूरी की पूरी जो है स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आई विल बिगिन विद ब्रूनो माय वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो कहते हैं कि मैं अपनी जो स्टोरी है स्टार्ट करूंगा ब्रूनो के नाम, ब्रूनो से। तो जो ब्रूनो थे वो एक स्लॉथ बेयर थे, माय वाइफ्स पेट, उनकी वाइफ के वो पेट थे, और वो ऑथर को जो है गलती से मतलब एक्सीडेंट से मतलब ऐसे ही मिल गया था वो जो छोटा बेयर था। 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर। तो बताते हैं कि 2 साल पहले ये पास कर रहे थे शुगर केन फील्ड्स, मैसूर जो जगह है कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है, पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था। तो शुगर केन गन्ने के खेतों में से ये लोग जा रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। और लोग जो है क्या कर रहे थे, ड्राइविंग अवे, दूर भगा रहे थे जो होते ना सुअर पिक्स को फील्ड से खेतों से दूर भगा रहे थे। कैसे, शूटिंग देम मतलब उनकी तरफ को शूट करके उनको खेतों से भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ से जो पिग्स हैं उनको उन्होंने शूट कर दिया मार दिया और कुछ एस्केप कर गए, कुछ जो सुअर हैं वो बच करके वहां से निकल गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर कमिंग आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। हमें लगा था कि ये सारा काम हो गया है, मतलब सब सुअर पिग्स वगैरह जो है सारे के सारे भाग गए हैं, बट फिर हमने देखा कि एक ब्लैक कलर का छोटा सा स्लॉथ बियर एक भालू जो है छोटा सा भालू वहां पर पेंटिंग करते हुए मतलब हाफते से हुए वहां पर भागते हुए आया गर्मी की धूप मतलब धूप में। Now I will not shoot a sloth bear, went on Lee, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. और फिर वो कहते हैं कि मतलब मैं तो बियर को, जो स्लॉथ बेयर था छोटा बच्चा था वो, उसको मैं तो शूट नहीं करता, मगर मेरा एक जो कंपेनियन था, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, मेरे एक साथी ने उस बेयर को जो है क्या किया, उस बेयर को शूट कर दिया। तो फॉर नो गुड रीज़न, इसमें जो है ना वेंट ऑनली का मतलब है कि ना चाहते हुए, मतलब मैं तो नहीं चाहता था कि उस बेयर को मैं शूट करूँ, बट मेरा जो साथी था उसने उसको क्या किया, शूट कर दिया। एज वी वॉच्ड, अब थर्ड वाले में है, एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। और जैसे ही मतलब हम लोगों ने उसको गिरते हुए देखा, हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए देखते, मतलब जैसे ही वो गिरा उसका जो ब्लैक फर था वो पीछे की तरफ बैक हो गया एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। प्रोस्ट्रेट बॉडी मतलब जो पड़ी हुई लाइंग बॉडी थी उस पर से उसका जो ब्लैक कलर का फर है वो पीछे की तरफ हो गया था। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक। और फिर हमने देखा कि वो तो एक बेबी बियर था, एक छोटा सा भालू था जो कि अपनी माँ की बैक पर राइड कर रहा था, घूम रहा था। When the sudden shot had killed her, मतलब जो एकदम से शॉट लगा बियर को उससे उसकी माँ तो मर गई मगर वो बच्चा रह गया। द लिटिल क्रीचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज। और वो जो बियर था वो अपनी मदर के चारों ओर मतलब घूम रहा था, प्रोस्ट्रेट पेरेंट, प्रोस्ट्रेट का मतलब मतलब दंडित, मतलब जो पड़ा हुआ होता है उसे प्रोस्ट्रेट कहते हैं। उसकी जो माँ है वो नीचे पड़ी हुई थी और पिटिफुल नॉइज, वो बेचारा बच्चा मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख भरी आवाज़ वो निकाल रहा था, मतलब रो रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, और मैं उसकी तरफ भागा कि मतलब उसको पकड़ सकूं। इट स्कॉटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, बट वो स्कॉटेड मतलब वो शुगर केन फील्ड की तरफ वो भाग गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it. फिर मैं अपने companion के साथ उसके पीछे भागा और at last मैंने उसको grab कर लिया, मैंने उसको पकड़ लिया। It by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. फिर मतलब मैंने उसको उसके गले से जो है स्कार्फ था
उसके गले में उसकी हेल्प से उसको पकड़ लिया, मगर वो मेरे से छूट के भागने की कोशिश कर रहा था, पंजे मार रहा था, बट फाइनली मैंने उसे पकड़ लिया। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड बॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और फिर हमने वो छोटे भालू को गनी बैग होते हैं, वो थैले होते हैं ना, जो जूट के थैले जो होते हैं वो गनी बैग्स होते हैं, उसमें इन्होंने भालू को रख दिया था। और फिर जब भी इनके जो ये ऑथर हैं जो कहानी हमें सुना रहे हैं, ये जब बैंगलोर पहुंचे तो इन्होंने अपनी वाइफ को वो बैग दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक, और उन्होंने क्या किया, इनकी वाइफ ने बैर के गले में एक कलर सा रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रिस्टीन इट ब्रूनो। तो क्रिस्टीन का मतलब होता है, देखिए मतलब जब पता लगा कि वो एक बॉय है तो उनकी वाइफ ने क्रिस्टीन क्या, क्रिस्टीन का मतलब होता है नाम रखना, नामकरण करना, तो उसको नाम दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, ब्रूनो ने जल्दी ही बॉटल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। तो पहले उसने बॉटल से दूध पीना सीखा, उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होती है सब कुछ खाना पीना उसने सीख लिया। And everything is the right word. For he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc. मतलब everything का मतलब था everything. उसने सब कुछ, हर एक चीज़ खानी शुरू कर दी, चाहे वो सब्जियाँ हो, फल हो, मीट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ खाता था। As for drink क्या करता था, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, in fact anything liquid. It all went down with relish. और वो कुछ भी हो, पीने का चाय, कॉफ़ी, दूध, एल्कोहल, शराब वगैरह, वो सब कुछ पी जाता था। पीने की कोई भी चीज़ हो, खाने की भी कोई भी चीज़ हो, वो सब कुछ खाता पीता था विद रिलिश, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ वो सारी की सारी चीज़ें जो है मज़ा लेकर के इंजॉय करके खाता था। द बेयर बिकम वेरी अट्रैक्टिव टू आर टू एल्सेशियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टिनांस लिविंग इन आर बंगलो। तो बंगलो में मतलब जो उनके पास दो कुत्ते थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा वो बियर पसंद था, और जितने भी बच्चे उनके बंगलों में रहते थे, टिनांस होते हैं किराएदार, उन सारे बच्चों को भी वो बियर बहुत ज़्यादा पसंद आता था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड इन स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन अ बेड बेड्स। तो मतलब जब वो छोटा था तो काफ़ी फ्री वो रहता था, इधर उधर भागता रहता था, किचन में जाता था और हमारे बेड्स पे जा करके वो सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम, बट एक दिन क्या हुआ, एक एक्सीडेंट मतलब हो गया जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो गईं। आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स, मतलब ऑथर ने चूहों को मारने के लिए पॉइजन रखा था, एंड माइस दैट हैड गॉट इन टू माई लाइब्रेरी, मतलब ऑथर की लाइब्रेरी में चूहे वगैरह आ गए थे तो उन्होंने रैट किल रख दिया था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही अफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और ब्रूनो ने थोड़ा पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसको खाने की वजह से उसको पैरालिसिस पड़ गया इतना कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी, बट वो अपने स्टम्प्स मतलब पेट पे मतलब खिसक खिसक के जो है मेरी वाइफ के पास तक पहुँच गया और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ट वॉट हैड हैपन्ड, और मैंने गेस कर लिया कि क्या हुआ है। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, और मैं उसको लेकर के कार में अपनी वेट के रेसिडेंट पे गया, वेट रेसिडेंट जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनके पास गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बैरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू, कि वो बताते हैं कि पॉइजन खा लिया है बैरियम कार्बोनेट, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर आउट कम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, बैरियम कार्बोनेट, यस बैरियम सॉल्ट्स, बैरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जो भी था, जस्ट अ मिनट सर आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड द मेडिसिन। फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं बैरियम कार्बोनेट, पता लग जाता है कि कौन सा उसने मतलब पॉइजन खाया था, फिर वो वेट जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह लेकर के आते हैं। A dash back to the car. Bruno still floundering about his stumps, but clearly
वीकनिंग रैपिडली, सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग विद हैवी फ्लैंग्स एंड गैस्पिंग एंड गैपिंग माउथ. फिर मतलब स्किल फ्लाउंडरिंग, मतलब फ्लाउंडर कर रहा था अभी भी वो. स्ट्रगल टू मूव, मतलब ब्रूनो जो है अपने स्टम्प्स पे चल रहा था रिंग रिंग, मतलब अच्छे से वो नहीं चल पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा वीक था, वॉमिट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसकी सांस चढ़ गई थी, मतलब गैस्पिंग माउथ, और काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी. मुंह खोल खोल के सांस वो ले रहा था. होल्ड हिम एवरीबडी, इन गोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्वील्स. हाइपोडर्मिक होता है नीडल पेनिट्रेटिंग द स्किन, मतलब नीडल जा रही होती है ना, सुई जा रही होती है. 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, अनदर 10 cc इंजेक्टेड. 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टेरियस. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स बट अ लिटिल, ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. फिर मतलब धीरे धीरे क्या था कि पहले 10 मतलब कुछ ही नहीं हुआ, 10 मिनट तक तो उनको 10 cc की जो है इंजेक्शन दिए गए, और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी कंडीशन इम्प्रूव होने लगी, हाथ पैर मूव होने लगे, बट वो स्टिल खड़ा नहीं हो पा रहा था. 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड. ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच एज टू से वर्ट्स बेरियम कार्बोनेट अ ब्लैक बियर लाइक मी. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. फिर मतलब थोड़ी देर बाद वो अपना ठीक ठाक हो गया और खड़ा हो गया और अपना खाने लगा. फिर वही है कि मतलब ब्रैनियम कार्बोनेटेड बड़े बियर का क्या कर सकता है इस तरीके के लुक से जैसे ब्रूनो देख रहा हो. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ऑयल इंजन, ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ स्ट्रट बेकर एंड वॉज कीपिंग अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर. एक बार उसने क्या किया, काफ़ी पुराना पड़ा हुआ इंजन ऑयल पी लिया था जो टर्माइट्स को मतलब कीड़े वगैरह को भगाने के लिए रखा जाता है ना, जैसे केरोसिन वगैरह या फिर तेल वगैरह, वो पूरा का पूरा उसको पी किया था एक बार, बट उस पर कोई ख़राब इफेक्ट नहीं हुआ. चलो खैर उसका तो. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज वेन ही केम. और मतलब महीने बीतते गए और ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया उससे, जब से वो आया था तो बहुत छोटा था, फिर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था. ही हैड इक्वल द एल्सेशियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम. एल्सेशियन डॉग्स जो होते हैं उनसे भी बहुत ऊंचा वो हो गया था और मतलब काफ़ी बड़ा हो गया था. बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल. बट मगर बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, मिस्चीवियस था. मिस्चीवियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा शैतानी करने वाला था, प्लेफुल था, मतलब खेलता रहता था, मजाक करता रहता था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, और वो हम सबका मतलब काफ़ी हमें सबको पसंद करता था. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था. एंड शी लव्ड हिम टू, मेरी वाइफ भी उसे बहुत प्यार करती थी. शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. और उनकी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया जिसका मतलब था छोटा बच्चा. एंड ही कुड डू फ्यू ट्रिक्स, और वो कुछ चीज़ें कर सकता था, जैसे एट द कमांड बाबा रेसल, बाबा बॉक्स. ही विगरसली टैकल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. मतलब बाबा रेसलिंग करो तो वो किसी को भी पीट पाट देता था, बाबा डांस करो, बाबा बैठ जाओ, तो इस तरीके की बातें जो है वो थोड़ी थोड़ी मतलब मानने लगा था. बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, मतलब गन को होल्ड करो तो स्टिक उठा करके आपकी तरफ पॉइंट कर देगा. आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी, तो आस्क उससे कहते थे बाबा बेबी कहाँ है. ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड. फिर बाबा बेबी तो मतलब बेबी जैसे करते ना, हाथ से डंडा पकड़ के लाता था, उसको हिलाने लगता था बड़े प्यार से कि ये बेबी है. बट बिकॉज ऑफ द टेनांस चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी कैप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट जो है टेनांस जो थे, किराएदार थे, उनके बच्चे थे, इसकी वजह से अब ब्रूनो को ज़्यादातर टाइम चेन में बांध करके हमें रखना पड़ता था. देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई wife and friends advised her to give baba to the zoo at Mysore. फिर उसके बाद मेरे सन ने और
मैंने और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने भी हमारी वाइफ को मतलब एडवाइस किया कि बाबा को जो है मैसूर के जू को हमें दे देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब उसको घर पे रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड। और काफ़ी हफ्तों बाद की हम सब उससे सब बोल रहे थे कि भाई बाबा बड़ा हो गया है, अब हम इसको जू को दे देना चाहिए। तो फाइनली जो है मेरी वाइफ इस बात पे मान गई। हेस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। और इससे पहले मतलब फटाफट से और इससे पहले मेरी वाइफ जो है कहते हैं अपना दिमाग बदल देती, हमने एक लेटर लिख दिया जो जू के हेड होते हैं उनको। ही रिप्लाइड येस, और उन्होंने येस में रिप्लाई किया। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पिक्ड ऑफ। और 87 माइल्स के डिस्टेंस से उन्होंने एक लॉरी भेजी, लॉरी होती है मतलब ट्रक जैसे, और उसमें जो है लेके जाया गया बाबा को। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब उसको बहुत मिस करते थे, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, मतलब एक सेंस में हम लोग को थोड़ी राहत भी मिल गई थी। माई वाइफ वॉज इनकन्सोलेबल, बट मेरी मतलब ये कहते हैं कि इनकी जो वाइफ है उनको कंसोल करना, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोती थी और थोड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना कि चिड़चिड़ी टाइप की हो जाती थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी कुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ दिनों तक तो उसने उनकी वाइफ ने कुछ खाया भी नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, हाउ हाउ वॉज बाबा, बैक केम द रिप्लाईज, वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू। बट रिप्लाई वगैरह आए कि मतलब उसने भी मतलब खाना खाना थोड़ा कम कर दिया है, बाबा भी वहाँ पे खाना अच्छे से नहीं खा रहा था। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। फिर फ्रेंड्स जो है मैसूर गए और फिर ये भी कह रहे थे कि तुम लोगों को भी जाके देखना चाहिए कि बाबा मैसूर में कैसे रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, मतलब वैसे तो ठीक है बट काफ़ी पतला हो गया है और काफ़ी दुखी वो अब लगता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, मतलब सब कह रहे हैं कि वो फ्रेटेड है। फ्रेटिंग का मतलब होता है खुद दुखी है, खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है वरीड, अनहैप्पी एंड नॉट रिलैक्स, मतलब रिलैक्स नहीं लगता। फ्रेटिंग होता है कि दुखी रहता है, ऐसे ही सैड सा अनहैप्पी सा रहता है। फॉर 3 मंथ्स आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग, 3 महीने तक मैं अपनी वाइफ को मतलब रोके रखा कि वो ना जाए मैसूर। देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, ईदर यू टेक माई मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन, सो आई टुक हर बाई कार। फिर वो 3 महीने बाद कहने लगी या तो तुम मुझे लेकर के जाओ कार से, या फिर मैं बस या ट्रेन से खुद ही मैसूर चली जाऊंगी बाबा को देखने के लिए। फ्रेंड्स हैड कंजर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकोगनाइज हर, फ्रेंड्स ने कंजर किया मतलब ओपिनियन बनाई, गैस कर रहे थे कि जो है बाबा उसकी वाइफ को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आई हैड थॉट सो टू, और मेरे को भी यही लग रहा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर, हमें लग रहा था कि जो है बाबा वो जो बैड था भालू था वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं, बट काफ़ी दूर से ही वो बाबा ने उसकी वाइफ को पहचान लिया राइटर की। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और उसने हाउल किया मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकाली खुशी वाली। She ran up to him, और वो भाग के उसके पास गई, petted him through the bars and he stood on his hand in delight. Head, तो मतलब pet किया उसकी वाइफ ने बैर को, और वो जो बैर है काफ़ी ज़्यादा delight खुशी में वहाँ पर खड़ा हो गया। For the next 3 hours she would not leave that cage, 3 घंटे तक उस केज से वो हट ही नहीं रही थी। She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not, और बहुत सारी खाने की चीज़ वाइफ ने ऑथर की वाइफ ने बियर को दी। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव, फिर जू बंद होने का समय आ गया और उनको जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, और उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा रोई, बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी काफ़ी भयंकर तरीके से रोया, बियर भी। इवन द हार्डेड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस, और मतलब जो क्यूरेटर था और जो कीपर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको दुखी से वो हो गए थे। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और फिर मैंने खुद को रिकनसाइल किया कि अब पता नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अब थोड़ा सा और चैप्टर बचा है, ये वाला जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।